अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं उस सीरीज़ का ये प्रोग्राम नंबर 10 होगा। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। और इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ टेम्परेचर, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है। और डिस्प्ले क्या करना है जी, मैसेज एक डिस्प्ले करना है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग वो क्या कि अगर यूज़र ने जो टेम्परेचर की वैल्यू एंटर की है वो 35 से ग्रेटर देन है तो हमने मैसेज क्या प्रिंट करना है, हॉट डे। और अगर 25 से लेकर जो है 35 के दरमियान है तो हम प्लेजेंट डे जो है वो मैसेज प्रिंट करेंगे। और लेस देन अगर 25 है तो फिर हमारे पास कूल डे का मैसेज आना चाहिए। तो इट मीन्स हमारे पास दो एक कंडीशंस बनेगी जिसकी मदद से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलें देखते हैं इसके कोड को। सिंपल सा कोड है। सबसे पहले तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो शामिल करेंगे और उसके बाद मेन फंक्शन और उसके बाद एक टेम्प के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि क्यों यूज़र से हमने टेम्परेचर की वैल्यू इसमें स्टोर करवाएंगे। उसके बाद यूज़र को मैसेज देंगे टेम्परेचर एंटर करने का और स्कैन ऐप की मदद से उसकी वैल्यू जो है वो रिसीव कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल सी एक कंडीशन लगाएंगे, वो क्या कि हमारे पास इफ़ टेम्प इज़ ग्रेटर देन 35, तो क्राइटेरिया के अंदर भी यही था कि अगर टेम्प की वैल्यू 35 से बड़ी है मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर हम यूज़र को मैसेज देंगे हॉट डे। लेकिन अगर 35 से बड़ी नहीं है तो फिर हमारी दूसरी कंडीशन थी वो ये कि 25 से बड़ी या 25 के इक्वल होनी चाहिए। तो एल्स इफ दूसरी कंडीशन ये आ जाती है हमारी, और अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर दूसरी ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी। लेकिन अगर इट्स के इक्वल या ग्रेटर देन 25 टेम्प की वैल्यू हुई तो फिर हमारा मैसेज ये डिस्प्ले हो जाएगा प्लेजेंट डे। लेकिन अगर 35 से भी बड़ी नहीं है, 25 से के इक्वल और इसके से ग्रेटर देन भी नहीं है तो फिर लास्ट वन हमारी वैल्यू जो है वो 25 से लेस देन होगी। तो लेस देन लास्ट वन हम एल्स में जो प्रिंट कर देंगे वो ये कूल डे। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने यूज़र से जो है वो टेम्परेचर की वैल्यू लेनी थी और उसके अकॉर्डिंग हमने एक मैसेज जो है वो यूज़र के सामने डिस्प्ले करवाना था। तो इसको अब टर्बो सी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। ओके जी, टर्बो सी के अंदर कोड मैंने लिख लिया है और इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। कंट्रोल F9 से हमसे टेम्परेचर की वैल्यू मांगी जा रही है। यहाँ पे 22 मैं एंटर कर रहा हूँ और ये हमें बता रहा है जी कूल डे है। इसको अगेन जो है हम एग्जीक्यूट करते हैं, मैं 55 एंटर करता हूँ तो हॉट डे बता रहा है, और इसी तरह मैं यहाँ पर 30 एंटर करता हूँ तो ये प्लेजेंट डे बता रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस ये सही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये लास्ट वन प्रोग्राम था चैप्टर नंबर 11 का प्रोग्राम नंबर 10। तो ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं, 10 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो अभी हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 12 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम समझना शुरू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।